नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जोन क्लासेस में। दोस्तों अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ कितनी जा सकती है, और इससे पहले मैंने एक इसका पार्ट बना चुका हूं और जिसमें आपको ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, हिंदी है, संस्कृत है और पॉलिटिक्स साइंस है। इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसकी कट ऑफ बता रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से मैच नहीं हो रहा। तो इसमें मैं आपको इंग्लिश, पंजाबी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कॉमर्स की जो एक अनुमानित मेट बता रहा हूँ कि इसकी मेट इतनी जा सकती है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट टीचरों द्वारा ये तैयार की गई है और जो पिछली मेट को देखते हुए एक सुव्यवस्थित तरीके से मेट तैयार की गई है। इसके अलावा अगर आपका कोई कन्फ्यूजिंग है, अगर आपके अनुसार ये मेट नहीं जा रही है, आपके अनुसार इसका मेट के नंबर कुछ ज़्यादा जा रहे हैं या कम जा रही है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं एक शिष्टाचार का रूप रखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस मेट के बारे में कि इनकी मेट कितनी कितनी जा सकती है। यह केवल एक अनुमानित मेट है और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस मेट को लेकर। अब इसमें देखिएगा, पहले अपन बात कर लेते हैं कि इंग्लिश की मेट कितनी जा सकती है, इंग्लिश सब्जेक्ट की मेट। इसमें जनरल के लिए 303 के आसपास इसकी मेट रह सकती है, जनरल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, और ओबीसी के लिए 282 के लगभग मेट जा सकती है, और एससी कैटेगरी के लिए 261 के मेट की संभावना जाने की है, और एसटी कैटेगरी है उनके लिए 252 के लगभग जा सकती है, या एक आधा नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, और एमबीसी कैटेगरी के लिए 266 के लगभग जाएगी, और ईडब्ल्यूएस है उनकी जो मेट जाएगी 274 के लगभग जाने की संभावना है। और अगर पंजाबी की बात करते हैं, पंजाबी की जो मेरिट है जनरल के लिए 346 के लगभग जा सकती है, क्योंकि इनकी सीटें थोड़ी कमी होती है तो मेरिट भी थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी इनकी, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 332 के लगभग जा सकती है, और एससी कैटेगरी के लिए 322 के लगभग इसकी मेरिट जाने की संभावना है, और एसटी कैटेगरी के लिए 307 और एमबीसी के लिए 326 जाने की संभावना है, और ईडब्ल्यूएस 330 जाने की संभावना है। ये केवल जनरल के लिए बता रहा हूँ, पुरुष वर्ग के लिए होगी ये, और महिलाओं के लिए इसकी मेट ये रखना 4 या 5, 5-7 नंबर इसकी कम ही जाने वाली है, वो अगर 5-7 नंबर इससे कम बन रहे हैं तो वो अपना श्योर समझे महिलाएं वर्ग की जितनी भी कैंडिडेट्स हैं। बायोलॉजी के लिए देखिएगा, बायोलॉजी के लिए 280 के लगभग जाने की संभावना है जनरल की, और 275 है जो ओबीसी वर्ग की जाने की संभावना है, और एससी कैटेगरी के लिए बायोलॉजी की 255 जाने की संभावना है, और एसटी कैटेगरी के लिए 253। यही अनुमान लगाया जा रहा है कि एससी और एसटी के लगभग बराबरी रहने की संभावना है ये बायोलॉजी की, और एमबीसी कैटेगरी के लिए 270 जाने की संभावना है, लगभग ओबीसी के बराबरी जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की जो मेरे जाने की संभावना है लगभग ओबीसी वर्ग की समान ही जाने की इसमें संभावना बन रही है। और नेक्स्ट देखिएगा, फिजिक्स की मेट कितनी जा सकती है इसकी। फिजिक्स की मेट 217 के लगभग जा सकती है जनरल की, और ओबीसी वर्ग के लिए 207 के लगभग जाने की संभावना है, और एससी कैटेगरी के लिए 155 जाने की संभावना है, और एसटी कैटेगरी के लिए 135 नंबर का अनुमान लगाया जा रहा है, और एमबीसी के लिए 195 नंबर के जाने की संभावना है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 203 जाने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस यानी कि ओबीसी के लगभग जाने की संभावना बन रही है। और केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, केमिस्ट्री के लिए जनरल के लिए 287 जाने की संभावना है, और ओबीसी के लिए 271 नंबर जाने की संभावना बन रही है, और एससी कैटेगरी के लिए 258 के लगभग नंबर मेट जाएगी, और एसटी कैटेगरी के लिए 255 नंबर की, और एमबीसी के लिए 266 नंबर के आसपास इसकी मेट जा सकती है, जैसे कि पिछली मेट के अनुसार अगर देखा जाए तो, क्योंकि पिछली मेट से कुछ नंबर ज़्यादा ही बढ़ने वाले हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 279 के लगभग मेट इसमें जा सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स की, गणित की कितनी जा सकती है। ये जनरल के लिए अगर बात करते हैं 187 से 190 जाने की संभावना है जनरल के लिए, लगभग 188, 189, 190 के आसपास रह सकती है मैथमेटिक्स की, और ओबीसी के लिए ये 177 के लगभग रह सकती है, और एससी कैटेगरी की अगर बात करें 134 के लगभग इसकी मेट जा सकती है, और एसटी की अगर बात करें तो 112 नंबर मेट जा सकती है, अगर पिछली जो भर्ती आई थी फर्स्ट ग्रेड की उसके आधार पर अगर मेट देखी जाए तो, क्योंकि उससे थोड़ा 5-7 नंबर बढ़ने ही वाली है, और एमबीसी के लिए अगर बात करें 172 के लगभग इसकी मेट जा सकती है मैथमेटिक्स की, और ईडब्ल्यूएस के लिए 175 की मेट जा सकती है।
नेक्स्ट देखिएगा कॉमर्स के लिए इसकी मेरिट कितनी जा सकती है। कॉमर्स के लिए जनरल की बात करें तो 270 के आसपास में इसकी मेरिट रह सकती है, और ओबीसी के लिए 272। जनरल ओबीसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा कॉमर्स के अंदर। और एससी कैटेगरी के लिए 253 के लगभग इसकी मेरिट जा सकती है, और एसटी कैटेगरी के लिए 247 के लगभग मेरिट जाने की संभावना बन रही है। और इस प्रकार एमबीसी के लिए 261 नंबर जाने की इसकी संभावना है। और कॉमर्स के लिए ईडब्ल्यूएच की अगर बात करें 264 के लगभग जाने की संभावना है। इस प्रकार ये इनकी मेरिट जाने की संभावना बन रही है। और जैसे कि सूत्रों से पता चल रहा है कि इसका रिजल्ट भी जल्दी घोषित करने की संभावना बन रही है बोर्ड द्वारा, और जब भी इसका रिजल्ट घोषित होगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी, या इसकी मेरिट कितनी जा रही है अंतिम मेरिट उसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी। यह केवल एक अनुमानित मेरिट है, आप ही राय हमारे साथ साझा कर सकती हैं आपके अनुसार इसकी मेरिट कितनी जा सकती है। और इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, और वीडियो कैसा कैसा लगा इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई है भर्ती को लेकर, वो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।